गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का अध्ययन करेंगे, काव्य शास्त्रीय परंपरा। इस परंपरा में पहले यह देख लेना चाहिए कि किन संप्रदायों का प्रभाव रीतिकाल पर बहुत कम या ना के बराबर पड़ा। रीति वक्रों के तरध्वनि का स्पर्श कुछ लोगों ने इनके नामोल्लेख मात्र से किया है। उस परिवेश में संभवतः इनकी बारीकियों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। ऐसा करने से कविता के सौदागरों को घाटा उठाना पड़ा। काव्य परंपरा चूंकि रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसे काव्य परंपरा से जोड़ा और भक्ति की उपेक्षा की। भक्त कवियों में सूरदास, किशोर सागर में खंडिता, अभिसारिता, बासक सच्चा, मध्याधीरा, किरिया, विदग्धा, आदि के रमणीय चित्र नायिका भेद की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। हो सकता है कि इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रीतिकालीन नायिका भेद पर पड़ा हो। गीति काव्य की परंपरा शुक्ल जी इतिहास में परंपरा परिवर्तन विकास की चर्चा करते हैं, ना कि परिवर्तन या प्रवर्तक की। पर शुक्ल जी ने परवर्ती विद्वानों ने रीति काव्य के प्रवर्तन के नाम पर बहस छेड़ दी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया, आगे चलकर वे पुनः लिखते हैं। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया को प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। शुक्ल के मत का विरोध करते हुए नगेंद्र जी ने कहा है कि उस काव्य युग के प्रवर्तन का श्रेय केशव को है। चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय है, क्योंकि यह केवल संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो चली। शुक्ल ने कहा है कि केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक मानने से इनकार कर दिया है। यह कहावत है कि रुई न सूत जोलहन से मट कौ अल। यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने में से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि अखंडित परंपरा का प्रवाह पर टिकी है, प्रवर्तन का परिवर्तन पर नहीं। चिंतामणि से चलने वाली परंपरा केशव की परंपरा से भिन्न थी। वर्ण विषय और भाषा इस काल के कवियों के प्रमुख वर्ण विषय नायिका भेद अलंकार नक्षिक और ऋतु वर्णन। पहले ही कहा जा चुका है कि नायिका भेद की दो परंपराएं हैं, केशव की क्लासिकल परंपरा और चिंतामणि वगैरह की भानुदत्त की लोकप्रिय परंपरा। शुक्ल जी की शिकायत ठीक है कि इस समय तक काव्य भाषा का रूप स्थिर हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। दास ने लिखा है, ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही न अनुमानो, ऐसे कवि कवित की बानी हो सो जानिए। इस काल की कविता में शब्दों में नई अर्थवत्ता भरी गई। राधा कृष्ण को देवत्व से मुक्त करके सामान्य नायक नायिका मान लिया गया। लला मैसूर तुलसी ने जो वात्सल्य भाव भरा था, उसके स्थान पर प्रिय का श्रृंगार भाव भर दिया गया। मुगल शैली के चीनी एयर चित्रों की भांति रीतिकालीन काव्यों, विशेषतः श्रृंगारिक काव्यों की बिंब चेतना अनेक मुद्राओं में अभिव्यक्त हुई है। रीतिकाल के हिंदी कवियों की भाषा से उर्दू कवियों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत रोचक है। उर्दू के दो श्रेष्ठ कवि मीर और गालिब रीतिकालीन हैं, पर उनकी भाषा खड़ी बोली है। उर्दू की कविताओं में बिंब योजना का अभाव है, शेरों की बंदेश मुहावरों और विसंगतियों पर निर्भर करती है। थैंक यू।